कई खूबसूरत प्रेम कहानियों का गवाह है बॉलीवुड। हिंदी फिल्मों में तो अक्सर नई नई प्रेम कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन असल जिंदगी में भी हमारे फिल्मी सितारों की कई ऐसी प्रेम कहानियां हैं जो सभी के लिए मिसाल बन गई है। ऐसी ही एक खूबसूरत लव स्टोरी है 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान की। नवाब मंसूर अली खान इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे। बतौर कप्तान उन्होंने कई मैचों में इंडियन क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी पर हर जवां का दिल फिदा होता था। वहीं शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और पॉपुलैरिटी भी किसी मायने में कम नहीं थी। जब ये दोनों मिले तो पहली नजर में ही एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। शर्मिला और मंसूर अली खान का निकाह 27 दिसंबर 1969 को हुआ था। दोनों की शादी क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही है। लेकिन मंसूर अली खान को अपना हमसफर बनाने के लिए बंगाली शर्मिला टैगोर को अपना धर्म बदलना पड़ा। शर्मिला से आयशा सुल्ताना बनना पड़ा। अक्सर लोगों के जहन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों शर्मिला को अपना धर्म बदलना पड़ा। तो इस क्यों का जवाब है एक शर्त। जी हाँ, मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर एक दूसरे के प्यार में इस कदर गिरफ्तार थे कि हर कीमत पर शादी करना चाहते थे। लेकिन तभी मंसूर अली खान की अम्मी और भोपाल की आखिरी नवाब साजिदा सुल्तान ने दोनों के सामने एक मुश्किल शर्त रख दी थी। साजिदा सुल्तान की वो शर्त ये थी कि अगर शर्मिला अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना ले तभी उनकी शादी मंसूर अली खान पटौदी से हो सकती है। इतिहासकार सैयद अख्तर हुसैन के मुताबिक जब नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने अपनी मम्मी साजिदा सुल्तान के सामने ये जिक्र किया कि वो फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से प्यार करते हैं और उन्हें अपना हमसफर बनाना चाहते हैं, तो साजिदा सुल्तान ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। उन्होंने मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के सामने शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा यदि शर्मिला इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो ही ये शादी मुमकिन है। बस फिर क्या था, शर्मिला ने मंसूर अली खान के प्यार के लिए ये शर्त मान ली। बताया जाता है कि शर्मिला ने जब अपना धर्म बदलने के लिए हामी भर दी तब वो अपनी होने वाली सास साजिदा सुल्तान से मिलने के लिए भोपाल गई थी। नवाब खानदान की चिकलौत कोठी, जिसे मंसूर अली खान उन दिनों शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे, वहीं शर्मिला टैगोर ने इस्लाम धर्म कबूल किया। शर्मिला बेगम आयशा सुल्ताना बन गए और नवाब मंसूर अली खान पटौदी की बेगम बनकर खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताई। बात करें दोनों की लव स्टोरी की तो शर्मिला से मंसूर अली खान की पहली मुलाकात कोलकाता में उनके घर में हुई थी। मंसूर अली खान अपने किसी दोस्त के साथ वहां गए थे। दोनों पहली नज़र में ही दिल हार बैठे थे। शर्मिला की मुस्कान मंसूर अली खान का दिल चुरा ले गई और दोनों का प्यार बेहद तेज़ी से परवान चढ़ा था। कहते हैं कि जब भी शर्मिला मंसूर अली खान का मैच देखने के लिए स्टेडियम में आती थी तो नवाब साहब छक्का लगाकर उनका स्वागत किया करते थे। स्टेडियम में शर्मिला जहां बैठती थी नवाब साहब खास तौर से उसी दिशा में छक्का लगाते थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।